ये पूछना है कि सब नहीं रह जाएगी और फिर हमने परमात्मा ध्यान शुरू कर दिया। तो कही यही कि मतलब जो जितने मित्र साथी घरेलू होते हैं ये सब लोग यहीं तक की शादी होते हैं, स्वार्थ के शादी होते हैं। जैसे अगर कोई रोड खत्म हो जाए तो हम लोग देख के चले आवे खाली वहीं खड़ी हो, क्योंकि बात हमारा कोई मतलब है ना, मतलब तो मतलब जो है कहना मतलब कि जिससे हमारा मतलब होता है, जिससे हमारा स्वार्थ होता है, तो हम स्वार्थ की वजह से होता है ना, कि मतलब जो है वो हमारे कोई साथी ना है। ये केवल परमात्मा ऐसा है जो भी साथी है, वो जीवन में भाई की वह अपनी इच्छा अनुसार जन्म देगी। तो यही की हम अगली हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे, जो बोल रहे बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कितनी बार तुझे ओम नाम का सुमिरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, पहली कितनी बार तुझे। अंतिम भक्ति भगड़िया कही है, तुझसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए, तुमसे पहले जन कितने लोग जा चुके हैं, राजा महाराजा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग गए हैं, लेकिन कुछ लिए कुछ ना लिए। तुझसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए, लक्ष्मण सिंह वे मोल कहे वो सारे खाली हाथ गए, तूरी खाली हाथ चलेगा, तूरी खाली हाथ चलेगा, देखिए नरनाथ तुझे तुझे का सुमिरण कर ले, कर दे भव से पार। सिकंदर एक महान है, सिकंदर कभी हारो ना। तो सिकंदर जब अपने देश वापस जा रहे हो भारत में लड़ाई करके जीत गए, तो वो एक नदी उतरो, जब नदी उतरो तो बाको बुखार आई हो तो सिकंदर सोची अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो बाने जितने भी सैनिक है उनसे कही कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे हाथ जो अर्थी ले आई जाए तो बाहर निकाल दिया जाए, जिससे दुनिया के लोग जा देख लें कि सिकंदर महान हो लेकिन कुछ ना ले जा रहे हो, खाली हाथ जा रहे हो। तो इसलिए जो है कही गई सिकंदर साहब इसी पर हो खजाना, हाथ उसके सामने ना झुकाना, मुझा कोई प्रभु का दिवाना उसी को सिर झुकाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है। तो परमात्मा से मांगना चाहिए, तो ये गीत है परमात्मा से हमें क्या मांगना चाहिए।